कहते हैं प्यार करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना होता है उतना ही मुश्किल। और जो इस मुश्किल का सामना नहीं कर पाते, उनका रिश्ता रह जाता है अधूरा। और आज ऐसे ही टूटे रिश्ते की कहानी लेकर आए हैं हम हमारी अधूरी कहानी में। रश्मि देसाई और नंदिश संधू, इन दोनों की लव स्टोरी जिस रफ्तार के साथ शुरू हुई, उससे कहीं ज्यादा तेजी से खत्म भी हो गई। दोनों की मुलाकात हुई सीरियल उतरन के सेट पर। मोस्ट ऑफ द कपल्स की तरह इनके प्यार की पहली सीढ़ी भी थी टकरार। शुरू शुरू में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, छोटी छोटी बात पर लड़ने लगते थे, एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय कुछ ऐसा पलटा कि दोनों पहले तो अच्छे दोस्त बने और फिर एक दूसरे के इतने करीब आए कि फिर अलग होने के बारे में सोच ही नहीं सके। मेरी खूबसूरत जल परी। दीवानगी इस कदर दोनों के सर पर चढ़ी कि दोनों को अपनी छुट्टियों से भी नफरत होने लगी। अरे अब छुट्टियां दोनों को अलग रहने पर मजबूर जो करती थी। एक दिन दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम देने का फैसला किया। पहले तो उन्होंने 12 फरवरी 2012 में कोर्ट मैरिज कर लिया और फिर ठीक एक साल बाद यानी कि 12 फरवरी 2013 में सभी रस्मों रिवाजों के साथ नंदिश ले आए अपनी दुल्हनिया रश्मि को अपने घर शादी करके। साल 2013 में इनकी जिंदगी में एक और खुशी का मौका आया। रश्मि और नंदिश के प्यार की निशानी आने वाली थी इस दुनिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रश्मि का मिसकैरेज हो गया और वहीं से शुरू हुई इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट। चीजें इतनी बिगड़ गई इन दोनों के बीच कि उनका एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। रश्मि साल 2014 में घर छोड़ के नंदिश से अलग रहने लगी। इनके बीच सब खत्म ही हो गया था कि एक उम्मीद की किरण दिखी इनके रिश्ते को साल 2015 में एक रियलिटी शो के जरिए। रश्मि और नंदिश के रिलेशनशिप का एक नया रूप दिखा सभी को जब उन दोनों ने एज अ कपल पार्टिसिपेट किया स्टार प्लस के शो नच बलिए में। नच का सफर हमारे लिए आई थिंक लाइफ लॉन्ग एक ऐसा जर्नी रहेगा जो हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं अबाउट लाइफ, अबाउट अ रिलेशनशिप। और अगर सिर्फ हम दोनों को यहाँ पर बंद कर देते नच के घर में लाकर, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना कुछ नहीं सीख पाते जो हमने दूसरे कपल्स को देख के सीखा है। शो के दौरान उनके रिश्ते के काफी पहलू सामने आए, आपसी अनबन से लेकर रश्मि के मिसकैरेज तक। इन दोनों ने नेशनल टेलीविजन पर सब कुछ खुलकर डिस्कस किया। नच बलिए एक्सेप्ट करने पर रश्मि ने कहा, बोथ ऑफ अस हैव ट्राइड एवरीथिंग इन द बुक टू सेव आवर मैरिज बट नथिंग वाज हेल्पिंग इट। But after we accepted the show, I realized that the communication gap between us became lesser. When I got married to Nandish, I left everything to be his wife. It was a new life and so many adjustments. But even after making adjustments, we were not able to solve our problems. Finally, we said yes to the show, and the love challenges brought us closer. So we spoke about our problems on the show, and that has actually helped us. Nandish bhi sehmat the Rashmi ki baaton se. Earlier, there were outside factors who would create problems. And there was no way I could reach out to her and tell her that this was right or wrong. I think apologizing to her in public in an open forum is better than a private place because there, the chances of resolving are less. नच बलिए में आने के बाद सभी को लगा कि रश्मि और नंदिश के बीच सब ठीक हो गया है और ये दोनों अपने रिश्ते को एक नया मौका देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है, एक बार कमजोर हो जाए तो टूट जाती है। और वैसा ही हुआ रश्मि और नंदिश के बीच। इनके रिश्ते की डोर इतनी कमजोर हो गई कि आखिरकार दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। खबरों की माने तो नंदिश का एक मॉडल के साथ उसी दौरान अफेयर हुआ, जिसकी वजह से रश्मि ने डिवोर्स का ये पहला कदम उठाया। लेकिन नंदिश आज तक अपने इस अफेयर की खबरों को मानने से इनकार करते हैं। रश्मि हैड आस्क्ड फॉर अ डिवोर्स लास्ट ईयर बट आई कन्विंस्ड हर टू गिव आवर मैरिज अनदर ट्राई। हाउएवर व्हेन शी आस्क्ड फॉर इट अगेन आई डिड नॉट रेजिस्ट बिकॉज़ आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक थिंग्स वर्क। रश्मि ने काफी समय तक अपने रिलेशनशिप के बारे में चुप्पी बनाए रखी, लेकिन नंदिश के बैक टू बैक कोर्ट्स और इंटरव्यूज के बाद रश्मि ने फाइनली फैसला किया ओपन अप करने का। आई नेवर फेल्ट द नीड टू एक्सप्लेन माय सेल्फ और माय रिलेशनशिप टू एनीवन, बट देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूमर्स दैट पिनपॉइंट मी एंड क्लेम दैट नंदिश इज कंप्लीटली इनोसेंट। इन अ मैरिज आई नो इट्स टू पीपल्स रिस्पांसिबिलिटी।
I've never had the need to ask him if any rumor about him is true. Neither do I need to know. But to point fingers at me and claiming you did everything to save it? I'm sorry. My relationship was always abusive. I've not been staying with him for more than 3 years now. And there are so many things I could have revealed about him if I wanted to. Aur finally, dono ka divorce hua saal 2015 mein. Rashmi aur Nandish ke beech sab jitna hi acha tha, usse kahi zyada dekhte hi dekhte bigad gaya. Jo pyar bhari kahani inke beech shuru hui thi, wo adhuri reh gayi.